उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन के बाद अब सबकी निगाहें NDA पर अटकी है। अप्रैल और मई महीने में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर और कौन कहां से लड़ेगा, ये सवाल सियासी गलियारों में खूब तैर रहा है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रदेश में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये बात हो गई INDIA गठबंधन की। अब बीजेपी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी दलों के खाते में कितनी और कौन सी सीटें आएंगी, इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा आकलन इन दिनों चल रहा है और कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में NDA के जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनके साथ अपनी सीटों को बांटेगी। दरअसल 29 फरवरी की देर रात से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समिति के तमाम सदस्य शामिल हुए। बैठक में अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी इस चुनाव में सहयोगी दलों को गठबंधन के तहत 6 सीटें देने की योजना बना रही है। वहीं पार्टी ने खुद 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी की है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि 1 मार्च को पहली सूची जारी हो सकती है, 2 मार्च को पहली सूची जारी हो सकती है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के नाम भी हैं कि ये कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ऐसी तमाम वो सीटें वहां के उम्मीदवार तय किए गए हैं जिन पर की पार्टी अपनी राहें कठिन मानती है। ऐसा इसलिए भी है ताकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 50 दिन का तो समय मिले। NDA के सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल, जो अनुप्रिया पटेल वाला है, उसे 2-2 सीटें मिलने की तैयारी है, ऐसी खबरें हैं। वहीं निषाद पार्टी और सुभासपा को 1-1 सीट मिल सकती है, यानी टोटल 6 सीटें। विपक्षी गठबंधन INDIA के RLD को 4-6 सीटें दिए जाने की चर्चा चल रही थी। अखिलेश यादव की ओर से गठबंधन का ऐलान भी हुआ था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद से RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी पलट गए, NDA के पाले में आ गए। पिछले दिनों सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी 3 सीटों का दावा किया गया था, हालांकि चर्चा यह है कि उन्हें 1 ही सीट मिलेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत 2-2 लोकसभा सीटों पर संतोष करने वाली अपना दल की भी कोशिश इस बार सीट बढ़ाने की थी। इसको लेकर दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन अब कोई दबाव काम आता नहीं दिख रहा है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के NDA और OBC नेता दारा सिंह चौहान के BJP में वापसी के बाद दावा किया जा रहा था कि पार्टी बहुत मजबूत हुई है। हालांकि घोसी विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद सुभासपा की स्थिति कमजोर हुई है। घोसी से दारा सिंह चौहान हार गए थे। गठबंधन के तहत जिन सीटों को घटक दलों को दिया जा सकता है, उसकी संक्षेप रूपरेखा हमने तैयार की है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले घोसी की सीट की ही बात करेंगे। यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में सपा और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय को जीत मिली थी। इसे सपा और बसपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। BSP को पिछली बार जीत मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी घोसी सीट पर सहयोगी दल निषाद पार्टी को दे सकती है। गाजीपुर सीट की बात करें तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार और बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को यहां से उतारा गया था। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को मात दी थी। सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर लगातार दावा कर रहे हैं। ऐसे में यह हो सकता है कि NDA इस सीट पर सुभासपा का कैंडिडेट उतार दे। मिर्जापुर की सीट, अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मिर्जापुर से वो चुनावी मैदान में रही हैं और उनकी दावेदारी इस बार भी स्वाभाविक दिखती है। राबर्ट्सगंज की बात करें तो अपना दल ने राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर मऊ की सीट, जो अब मऊ कही जाती है, मऊ की सीट पर वर्ष 2019 में जीत दर्ज की थी। यहां से पकौड़ीलाल सांसद बने थे, हालांकि पिछले दिनों उनका निधन हो गया। माना यह जा रहा है कि बीजेपी यहां से अपना कैंडिडेट उतार सकती है। संभल की सीट, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादियों का गढ़ 2019 में सांसद बने थे, हालांकि उनका अब निधन हो गया है। सपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार भी घोषित किया हुआ था। अब देखना है कि यहां पर बीजेपी किसे उतारती है। बागपत लोकसभा सीट को राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ के रूप में माना जाता रहा है। RLD का गढ़ है ये, हालांकि यहां से पार्टी पिछले सालों में चुनाव हारती रही है। 2019 में RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। माना यह भी जा रहा है कि इस बार गठबंधन के तहत ये RLD के पाले में सीट जा रही है। मथुरा और मुरादाबाद को लेकर भी इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं।
बहरहाल जो लब्बोलुआब है बात का वो ये कि 74 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद लड़ेगी और 6 अपने सहयोगी दलों को देगी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही खबर है। लिस्ट आने का इंतजार है, सूची का इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि 100 से 150 नामों पर उम्मीदवारी जिनकी हो रही है उन पर मुहर लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान रह गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।